श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। सीता 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 राम जय सीता राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। सीता राम जय सीता 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वागीशाद्यास्मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे।
आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामश्रीमान् सनप्रभुः यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुत पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः विभावुकाः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जय शुकदेव मुनीशवर यदुपति दास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीता राम चंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री यमुना मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, संत समाज की जय। जय सीता। श्री कपिल देव जी महाराज ने माता के पूछने पर यह बताया कि मैया सत्संग करना चाहिए। संतों का लक्षण बताया और यह कहा सांख्य तत्व का 25 तत्वों का निरूपण किया। पांच पांच और चार दस और एक और ये 25 तत्व हैं। पंचभिर पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। अब इसी का वर्णन आगे है विशेष। पांच मने पृथ्वी
जल तेज वायु आकाश, और फिर पांच तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर चार मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और फिर दस ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, ये 24। असन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काल पंचविंशक, इसी का विशेष निरूपण दो अध्यायों में हुआ है। सांख्य तत्व का यही निरूपण है, यही असली सांख्य तत्व है। जो आजकल सांख्य पढ़ाया जाता है ना, वो सांख्य नीरस सांख्य है। वास्तव में भगवान कपिल का जो सांख्य है, ये भक्ति योग से संबंधित सांख्य है। सांख्य तत्व का निरूपण करने के बाद तुरंत कहते मैया, अब मैं योग का वर्णन करूंगा। योगस्य लक्षणम बक्षे, तो योग दो प्रकार का होता है, एक तो सूखा योग होता है और एक सरस योग होता है। तो रस कहां से, सरस कौन सा होगा महाराज जी? देखो, रस तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी से जो संबंधित है वही तो है सरस, और सब है रसाभास। एक मोटी सी बात आप समझ लीजिए, बड़ी सीधी सी सरल सी आपके समझ में आने वाली बात, जिससे मन भर जाए वो तो रसाभास, और जिससे मन कभी न भरे वही है रस। ज्येष्ठ वैशाख के महीने में जमुना जी के किनारे से कोई आवे पैदल घाम में, मुंह सूखा हुआ है, हलक सूख गई है, आवाज भी नहीं निकल रही है, और आया तो आपने क्या कहा, बढ़िया रस पी लीजिए सिकंजी, सिकंजी बढ़िया सिकंजी ठार से बनाया आपने, बढ़िया सुंदर शुद्ध गंगा जल, और गंगा जल में बढ़िया क्या कहते हैं उसको, मिश्री, खूब बढ़िया मिश्री डाली, मिश्री का चूरा बना करके बढ़िया मिश्री डाली और उसको फेंटा, और उसके बाद बढ़िया उसमें नींबू डाल दिया, ज्यादा नहीं, नहीं खट्टा हो जाएगा, नींबू डाल दिया, और उसके बाद सुनो बढ़िया गुलाब जल डाल दो उसमें, कैसा रहेगा, गुलाब जल डाल दो, और गुलाब जल, अब जो आवे उससे कहो कि ले महाराज एक एक, तो मुंह तो सो ले आओ कहेगा, और आपने महाराज ले आए दिया उसको, एक और ले लो, तो एक उसने और ले लिया बड़े प्यार से, अब महाराज दो गिलास, पर गिलास भी इतना इतना नहीं होना चाहिए, आजकल तो हमने गिलास देखा महाराज, प्लास्टिक का गिलास इतना बड़ा आता है, उसमें चाय पीते हैं सब, हम कहते इसमें कैसा पेट, कैसे पेट भरता होगा, वो इतना बड़ा बड़ा आता है, आपने देखा है महाराज जी इतना, उसमें तो चरणामृत भी नहीं आएगा महाराज जी, इतना छोटा छोटा गिलास। तो अब महाराज बढ़िया गिलास हो ठाट के साथ, तो आपके पास ना हो तो हमसे ले जाना, समझे ना, तो बढ़िया गिलास हो, अरे जिसमें ढाई पाव दूध आवे ऐसा गिलास हो, और दो गिलास पिया, अब महाराज चकाचक यहाँ सूखा मुंह था, हरा हो गया, और गट्टा ऐसी आंखें निकल आई महाराज, एक गिलास और महाराज, नहीं नहीं अच्छा ले जाओ ले लेते, एक गिलास मेरे कहने से वो भी किसी तरह से ले लिया, समझे ना, अच्छा एक गिलास और, जान लोगे मेरी, अभी तो तेरी जान आ गई थी और अब तेरी जान जा रही है, तब ये रस नहीं है, ये है रसाभास। ये सीधा सा उदाहरण मैंने दिया, रस नहीं ये रसाभास। राम जी अगर रस लेना चाहो तो ठाकुर जी में रस है, कभी उनसे पेट भरेगा ही नहीं, कभी मन भरेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं भरेगा। तो अब हम योग आपको सरस कह रहे हैं, योगस्य लक्षणम बक्षे, वो कैसा योग, सबीजस्य नृपात्मजे, सबीज योग अर्थात बीजम विष्णु, बीज ही भगवान है,
तो पहले क्या करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो पहले यम करें, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा ये यम करें, फिर शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम करें। सियाराम जी बड़े, पहली बात सुनो भैया, भोजन बढ़िया करो, पहले सुनो भोजन बढ़िया करो। अब मर्चा से छमका हुआ है, जलता हुआ भोजन जब करोगे तो तुम्हारी न बुद्धि शुद्ध होगी, न मन शुद्ध होगा और न शरीर ही शुद्ध होगा। हम मना नहीं करते, करो मजे में करो, समझे। भोजन कैसा होना चाहिए, मित में ध्यान। अरे भाई क्या कर रहे, पहले ठीक कर लिया करो, पहले मजा लेते रहते। मित में ध्यादनम, मित में ध्यादनम, मित हो और मेध्य। ग्यारहवें में भगवान कहेंगे क्या कहेंगे, पथ्यम पूतम अनायस्तम। भोजन कैसा चाहिए, पथ्य हो पूत हो अनायस्त हो। पथ्य हो मतलब जिसको खा करके आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, और पूत हो माने और अनायस्त हो। समझन, पैसा तो आपको बहुत ज्यादा मिला होगा दोस्त, लेकिन हमारे यहां ऐसा होता नहीं कि, समझन तू अब, अरे पहले ठीक कर लिया करो सियाराम। पूतम पथ्यम अनायस्तम, पूत हो पथ्य हो और अनायस्त हो। पथ्य हो पवित्र हो और अनायस्त हो। सवेरे से उठे दोपहर तक भोजने में लगे हुए, थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद फिर लगे तो फिर लग गए उसी में, सायंकाल हो गई सो गए, फिर सवेरे ज्यों के नारे महाराज। ऐसा नहीं, चट फट से बनाओ। देखो हमको आगे देखो, शाम को आके देख लो, शिक्षा लेनी हो तो हमको आगे देख लो महाराज, विद इन हाफ एन आवर। अंग्रेजी बोल गया क्या, अंग्रेजी बोल गया विद इन नो टाइम, अब भी बोल गया क्या, तनिक भी विलंब न हो। आइए देखिए हमको, हम तो कोई छिपा उपा के नहीं करते, ऐसे हमारे वैष्णव में तो छिपा के भोजन बनाते हैं, लेकिन हम क्या करें, लोगों से बात करने का भी समय वही होता है, आ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अशुद्ध मत आना। राम जी तो एकदम मितव, क्या क्या बोला, पूतम पथ्यम अनायस्तम, पूत हो पथ्य हो ऐसा भोजन करो बढ़िया महाराज जी, और फिर यम करो नियम करो, और फिर आसन बढ़िया, एक आसन जमा लो बढ़िया। अगर भगवान को पाना है तो सब करना पड़ेगा, ये मत करो हम तो गृहस्थ, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो ये तो करना ही पड़ेगा। अगर बढ़िया भोजन नहीं करोगे, हम तो महाराज आजकल भोजन भोजन तो इतना गंदा हो गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। पता नहीं कितनी भूख लगती है लोगों को महाराज, हम तो समझते, हम तो महाराज कभी कभी हवाई जहाज में जाते थे तो देखते थे, चाहे रात को 10 बजे बैठे और चाहे सवेरे 4 बजे बैठे और चाहे दोपहर में 1 बजे बैठे, जब देखें खटाखट चम्मच कांटा शुरू हो गया, महाराज भोजन शुरू हो गया। अरे हम कई भूखड़ है क्या जो आ गए समय पर, जब भूखड़ जब देखो तब, अरे घर से खा के चलो बढ़िया ठाट के साथ, समय से भोजन करो। तो पूतम पथ्यम अनायस्तम, पूत हो अगर भोजन शुद्ध नहीं।